हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया था। मींस ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और हमने फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस पर डिस्कशन किया था। ओके अच्छा, ये बात हम सब जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लेजर से बनता है, ठीक है ना, फ्रॉम लेजर बैलेंसेस। तो और पूरी सीक्वेंस होती है जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब जर्नल से लेजर पोस्टिंग होती है, जब लेजर्स आपके पास होते हैं तो हम उस लेजर से एक्चुअली ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बेसिक जर्नल एंट्रीज का था, ट्रांजैक्शंस गिवन थे और उससे हमने जर्नल एंट्रीज बना करके लेजर प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखा है। लेजर प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसका एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप वहां पर देख सकते हैं। पूरे लेजर के चैप्टर की प्ले लिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, तो आप वहां से उस चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने यहाँ पर कुछ लेजर्स बना के रख रखे हैं, अदरवाइज लेजर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम जाता। तो लेजर्स में फर्स्ट लेजर वी हैव कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारे पास है और ये सारे ट्रांजेक्शन उसमें गिवन है, टू कैपिटल, टू सेल्स, टू कमीशन, टू राहुल ट्रेडर्स, बाय परचेसेस, बाय सैलरी रेंट मोहित ट्रेडर्स एक्सेट्रा, और बाय बैलेंस सीडी 2 लाख रुपीज। और यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल को, नेक्स्ट मंथ की 1st डेट को बैलेंसेस दे रखे हैं कितने, 2 लाख रुपीज के, ठीक है। ये हम लेजर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड लेजर इज अवर कैपिटल अकाउंट जिसका क्रेडिट बाय कैश टू बैलेंस सीडी 31 मार्च को गिवन है 3 लाख रुपया और 1 अप्रैल को इसका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख रुपए। परचेसेस गिवन है इसमें 2 एंट्रीज हैं, बाय बैलेंस सीडी 62 आया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 62 इधर आ चुका है। मोहित ट्रेडर्स की एंट्री है बाय परचेसेस की 30,000 की, टू कैश की 20,000 की, तो बैलेंस सीडी इज ऑफ रुपीज 10,000 ये हमारे पास बचा है। सेल्स अकाउंट यहां पर गिवन है, सेल्स अकाउंट है इसमें बाय कैश बाय राहुल और 50+50 1 लाख का बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। सैलरी है 12,000, बैलेंस कैरिड डाउन 12,000 डेबिट हो गया। रेंट अकाउंट 8,000, बैलेंस कैरिड डाउन 8,000 और 8,000। कमीशन बाय कैश 15,000, टू बैलेंस सीडी 15,000, बाय बैलेंस बीडी 15,000। राहुल ट्रेडर्स बाय टू सेल्स है, बाय कैश है, बाय बैलेंस सीडी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेजेस अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 एंड फाइनली वी हैव अ मशीनरी अकाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000। अब हमारे पास ये ऑलरेडी लेजर के बैलेंसेज गिवन है, मींस पूरे लेजर हम प्रिपेयर कर चुके हैं। हमें इस लेजर से वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि भाई ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा। आपका ट्रायल बैलेंस लिखते हैं हम सबसे पहले ब्रैकेट में एज एट और यहां पर लास्ट डेट क्या है, मंथ की 31 मार्च, तो 31st March 2022 दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कॉलम्स होंगे इसमें, जगह कम है मेरे पास तो थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करके बना रहा हूँ उसमें। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ सीरियल नंबर, ये कॉलम नहीं भी बनाएंगे चलेगा सीरियल नंबर का। सेकंड होता है हेड ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स LF, और फिर डेबिट एंड व्हाट क्रेडिट, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है। अच्छा, अब लेजर से ट्रायल बैलेंस अगर आपको प्रिपेयर करना है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी है और टू बैलेंस बीडी है। वैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भाई यूजुअली हम जब लेजर को क्लोज करते हैं तो लेजर को क्लोज हमेशा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके किया जाता है एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कि भाई 31st मार्च को अगर इतना बैलेंस है तो 1st अप्रैल से जब नया मंथ स्टार्ट होगा तो उस दिन इतने बैलेंस से ये हमारा मंथ स्टार्ट एक्चुअली होगा। ओके तो हम हर लेजर को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके छोड़ते हैं, फाइन। तो मैं बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि भाई आप जब भी लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएं तो इंस्टीड ऑफ कैरी डाउन बैलेंस आप ब्रॉड डाउन बैलेंस को देखें। ब्रॉड डाउन बैलेंस का जो नेचर हो उसी साइड पर आप ट्रायल बैलेंस में लिख दें। जैसे यहां पर कैश का ब्रॉड डाउन बैलेंस है डेबिट, तो हम क्या करेंगे अगर कैश यहां पर डेबिट है तो यहां पर भी कैश डेबिट में ही आएगा। ओके कितने से, 2 लाख से। कैपिटल का ब्रॉड डाउन बैलेंस है 3 लाख, क्रेडिट साइड में है तो यहां पर भी कैपिटल का 3 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में ही आएगा। आप ब्रॉड डाउन बैलेंस को देखेंगे, अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई कैरी डाउन बैलेंस को, तो मैं वो भी उससे भी आपको लॉजिक बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि अगर आप अपने कैरी डाउन बैलेंस को देखते हैं और यहां पर कैरी डाउन बैलेंस 2 लाख रुपीज, और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपीज का, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिखा है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर ये क्रेडिट बैलेंस है। नो, एक्चुअली इट इज अ डेबिट बैलेंस। देखिए यहां पर एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट है, डेबिट ज्यादा था,
क्रेडिट कम था, तभी कितने से कम था क्रेडिट, 2 लाख रुपए से, तभी हमने उसको बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखा, जो शॉर्टर साइड है हमने उधर लिखा। इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है और जब डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो बैलेंस सीडी कौन सी साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, लेकिन उसका नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। ये लिखेंगे कौन सी साइड में, शॉर्ट साइड में, तो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसी नेचर का बैलेंस एक्चुअली आगे बढ़ता है। और अगर उल्टा है, अगर डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है तो मींस उसका नेचर क्या होगा, बैलेंस का नेचर होगा क्रेडिट, लेकिन लिखा जाएगा कौन से साइड में, डेबिट, और बैलेंस का नेचर होगा डेबिट लेकिन लिखा जाएगा कौन से साइड में, क्रेडिट में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई क्रेडिट बैलेंस है तो नो, इट इज अ डेबिट बैलेंस इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो जिधर शॉर्ट होता है उधर उसको लिख देते हैं, लेकिन उसका नेचर बड़े वाले का होता है, बड़े वाली साइड का नेचर होता है। ओके फाइन, तो अगर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करते या बैलेंस कैरी डाउन से बनाते हैं तो इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टा डालना पड़ेगा। मीन्स अगर यहाँ क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट डालना पड़ेगा। फाइन, एनी वे हम डेबिट ब्रॉट डाउन बैलेंस से करके देखते जाते हैं। सबसे पहले है कैश अकाउंट है, ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट साइड है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे नंबर वन कैश अकाउंट, ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट साइड है तो मैंने इसको डेबिट साइड में लिख दिया 2 लाख रुपीज, तो मेरा कैश का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हो गया। नाउ सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में है, नंबर टू ब्रॉट डाउन बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो कैपिटल अकाउंट इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड में है बाय रुपीज 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज का हमने डाल दिया। थर्ड अकाउंट इज परचेसेस अकाउंट, ब्रॉट डाउन बैलेंस ऑफ परचेस अकाउंट इज टुवर्ड्स डेबिट साइड, तो नंबर थ्री हम यहाँ पर लिखेंगे परचेसेस अकाउंट एंड अमाउंट इज रुपीज वॉट 62,000 रुपीज का अमाउंट आ गया इसमें, ये हो गया जी। मोहित ट्रेडर्स का बैलेंस टुवर्ड्स क्रेडिट साइड है तो हम यहाँ पर नंबर फोर लिखेंगे मोहित ट्रेडर्स, और मोहित ट्रेडर्स का बैलेंस है टुवर्ड्स क्रेडिट, अमाउंट इज रुपीज 10,000, तो हमने ये क्रेडिट का लिख दिया। नेक्स्ट इज वॉट सेल्स अकाउंट, फिफ्थ अकाउंट इज सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होगा नेचुरली, तो ये क्रेडिट साइड होगा, तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट इज एन एक्सपेंस और इसका बैलेंस डेबिट में है तो डेबिट साइड ही लिख देंगे कितने से, रुपीज 12,000 से। सेवंथ अकाउंट इज रोहित रेंट अकाउंट, सॉरी, तो रेंट अकाउंट भी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है तो इसको भी डेबिट साइड में ही 8,000 रुपीज लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इज वॉट कमीशन अकाउंट, एट्थ अकाउंट इज कमीशन अकाउंट और इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो इसको भी हम क्रेडिट साइड में 15,000 लिखेंगे। नाइन्थ इज वॉट राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, अब ये राहुल ट्रेडर्स का जो ब्रॉट डाउन बैलेंस है वो टुवर्ड्स डेबिट है तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, टुवर्ड्स डेबिट, कितना 18,000। टेंथ जो है वो कौन सा अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है और वेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5,000 तो डेबिट में ही आ जाएगा। एंड लास्ट अकाउंट इज वॉट मशीनरी अकाउंट और मशीनरी अकाउंट का बैलेंस भी टुवर्ड्स डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा। ओके उसके बाद फिर हम इस ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड के टोटल्स देखेंगे और टोटल हमारे एक्चुअली टैली होना चाहिए, 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 15,000, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 4,25,000, डेबिट का भी 4,25,000 आना चाहिए। देख लेते हैं 2,62,000 - 12,000 - 8,000 - 18,000 - 5,000 - 1,20,000, यस एग्जैक्टली 4,25,000 का हमारा बैलेंस एक्चुअली इसके अंदर आ गया। तो ये हमने किस तरह से लेजर, जब आप लेजर प्रिपेयर कर लेते हैं भाई, जर्नल से जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है आपको पता है, जर्नल से लेजर कैसे पोस्ट करना उसका एक डेडिकेटेड लेक्चर है, वहां देख लीजिए। और जब लेजर्स प्रिपेयर हो जाए तो उस प्रिपेयर्ड लेजर से फिर आपको ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई देखिए कैश, कैश क्या होती है, असेट होती है, तो नेचुरली इसका ब्रॉट डाउन बैलेंस जो होगा वो होगा वो टुवर्ड्स डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो ये कैश का इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। सेकंड इज व्हाट कैपिटल, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो इसका नेचुरली ब्रॉट डाउन बैलेंस यूजुअली किधर आता है, टुवर्ड्स क्रेडिट साइड। थर्ड है परचेसेस, तो परचेसेस इज एन एक्सपेंस, तो इस एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, तो इसका बैलेंस किधर आएगा, टुवर्ड्स डेबिट साइड, हम डेबिट साइड में लिखेंगे। हाँ, उसके बाद आगे देखें सेल्स, सेल्स क्या होती है, इनकम होती है, तो इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, ये देखिए क्रेडिट साइड आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर अस, हमारे लिए ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, तो सैलरी का ब्रॉट डाउन बैलेंस टुवर्ड्स डेबिट आ गया। ओके, रेंट, रेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, अब यहाँ पर एक्सपेंस के सेंस में है,
तो रेंट भी क्या एक्सपेंस का नेचर डेबिट का होता है, तो ये भी किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स डेबिट साइड हम इसको लिख देंगे। उसके बाद कमीशन, कमीशन यहां पर अभी पता नहीं है, लेकिन कमीशन यहां क्रेडिट लिखा है तो इसी समझ जाइए कि ये कमीशन क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड, इट इज अ रेवेन्यू फॉर अस, सो वी हैव क्रेडिटेड द कमीशन, कमीशन 15,000 क्रेडिट कर दिया गया। उसके बाद मैं बाद में आ रहा हूं राहुल ट्रेडर्स और मोहित ट्रेडर्स पे, वेजेस, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट का, तो हम वेजेस को भी कहां लिख देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे 5,000 रुपीज। ओके, एंड फाइनली मशीनरी, मशीनरी भी क्या है, मशीनरी इज ऑल्सो एन असेट, नेचर ऑफ असेट इज डेबिट, सो मशीनरी का बैलेंस भी किधर है, टुवर्ड्स डेबिट साइड। अब प्रॉब्लम आती है आपको पार्टीज के अकाउंट्स में, पार्टी का बैलेंस देखा जाएगा, अभी पार्टी का बैलेंस बच किधर रहा है, पार्टी का बैलेंस मोहित ट्रेडर्स का क्रेडिट साइड में बच रहा है, तो बेसिकली मोहित ट्रेडर्स इज अवर क्रेडिटर, क्रेडिटर मींस लायबिलिटी, नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट, तो मोहित ट्रेडर्स का बैलेंस क्रेडिट आ गया। यहां से देख के समझ सकते हैं मोहित ट्रेडर्स का बैलेंस क्रेडिट है, मींस अमाउंट इज पेबल टू द मोहित ट्रेडर्स, हमें मोहित ट्रेडर्स को अमाउंट पे करना है, ठीक है, ही इज दे आर अवर क्रेडिटर्स, मोहित ट्रेडर इज अवर क्रेडिटर। ओके, इन द सेम वे यहां पर अगर हम बात करें राहुल ट्रेडर्स की, तो राहुल ट्रेडर्स का बैलेंस डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है मींस डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेट को, मींस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, तो राहुल ट्रेडर्स हमारा डेटर है, इसको बैलेंस देख करके हम इसका डेटर्स को समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट था हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर, लेजर से किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के लेक्चर में हमें अब जो इस जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूरे लेजर बने हुए हैं, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, आगे के क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्टली लेजर के बैलेंसेस देगा और उन लेजर के बैलेंसेस से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना। देखिए प्रोसेस वाइज तो यही होता है, जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, बस एक बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स के अंदर जर्नल टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस बनाने का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, ना आपके यूटी में, यूनिट टेस्ट में, ना ही आपके हाफ ईयरली में, क्योंकि क्या होता है इसकी प्रोसीजर लेंदी होती है और इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, और एग्जाम में हमारे पास टाइम कंस्टेंट होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टाइम होता है। वहां पर यूजुअली कौन से क्वेश्चन आते हैं, दे विल प्रोवाइड यू द लेजर बैलेंसेस, आपको लेजर बैलेंसेस दे देगा, कैश का, बैंक का, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, पार्टी का नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस उससे फिर आपको लेजर प्रिपेयर करना। तो वो हम कैसे लेजर प्रिपेयर करते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के हम पूरा उसके अंदर डिस्कस करेंगे और 3-4-5 क्वेश्चंस भी उसके करेंगे। एनीवे, लेजर अगर आपके पास बना है उससे ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है, कोई क्वेश्चन आपको रेज होता है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगता है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।